सो गाइस, वॉक्सिमिटी सेंसर नॉट वर्किंग, यानी कि आपने सुना होगा वॉक्सिमिटी सेंसर नॉट वर्किंग, यानी कि आपका वॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे लगा होता है वो काम नहीं कर रहा है। आप लोग उस सेंसर को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली जो भी न्यू लेटेस्ट वीडियो होती है आप लोग पहुँचते रहे, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले गाइस क्या करना, ये वॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जैसे कि आप लोग कॉल लगा लेते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल लगा लेता हूँ, ठीक है। और ये वॉक्सिमिटी सेंसर मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल लगाई, उसके बाद यहाँ पे टच करता हूँ, देख सकते हो टच करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे बंद नहीं होती, यानी कि ये मेरा सेंसर काम नहीं कर रहा, ठीक है। देख सकते हो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तब भी यहाँ पे सेंसर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपको यही प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस, वॉक्सिमिटी सेंसर को ठीक करने के लिए गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे वॉक्सिमीटर यहाँ पे सेंसर होते हैं या इस साइड या फिर इस साइड, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लेना मेरे यहाँ पे कहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना डस्ट तो नहीं है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, डस्ट आपके आ जाते हो, डस्ट को यहाँ से साफ करना, ठीक है, यहाँ से साफ कर देना, यहाँ पे वॉक्सिमीटर सेंसर होता है या फिर इस जगह या फिर इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पे साफ करना, ठीक है। उस साफ करने का अगर नहीं ठीक होता तो परेशान नहीं होना है। एक कवर है, इस बैक कवर को यहाँ पे हटा देना। क्या होता है, ये कवर कभी कभी हम बड़ा आ जाता है, तो यहाँ से वॉक्सिमिटी सेंसर लगा होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देना है, ठीक है, पहले चेक करके देख लेना है, ये हटा देना। मैंने इसको हटा दिया है, मैं आपको लाइव दिखाएंगे पूरा प्रोसेस लाइव, ठीक है। इसके बाद आप लोग हटाने के बाद आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना। अगर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है तो परेशान तब भी नहीं होना। तो गाइस क्या करना, मैं आपको 3 स्टेप बताएंगे। तो ये गिलास देख लेना है, गिलास क्या होता है, ऐसे जैसे कंपनी आपने गिलास चढ़ा के लेती तो अच्छा चढ़ा के देती, तो ठीक ठाक एक वॉक्सिमिटी सेंसर होता है उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे शॉप से चढ़वाते हो गिलास तो उसका कवर नहीं, गिलास नहीं मिलता, तो आप लोग दूसरी कंपनी का गिलास चढ़ा देता, तो गाइस यहाँ पे वॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर आ जाता है वो गिलास, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पे डिसमैच भी कर जाता है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ से हटा देना, ठीक है, या इसको इसे रिमूव कर देना, ठीक है। रिमूव करने के बाद आप लोग तभी भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती। तो गाइस एक सेटिंग और कर लेना, वो भी है हिडन सेटिंग, ठीक है। तो गाइस क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है। जब आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक कर लेना है। ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लो ऐप लिस्ट, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड साइड में 2 डॉट्स मिलते हैं, इस पर क्लिक करना है, इसका शो सिस्टम कर देना है। शो सिस्टम करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, ठीक है। इसके बाद गाइस क्या करना है, आप लोग यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है कॉल, ठीक है, यहाँ पे कॉल्स टाइप कर लेना है। मैं कॉल टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे 3 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, यानी कि 3 सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। इसको गाइस क्या करना है, आपको कॉल मैनेज पर क्लिक कर लेना पहले, ठीक है। कॉल मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लेना है डाटा यूज़, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्लियर कर देना है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाना है, यहाँ पे देखने मिल रहा है स्टॉप। तो गाइस यहाँ पे स्टॉप भी आता तो स्टॉप फुल स्टॉप भी कर सकते हो गाइस, फिलहाल मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आपको आता तो कर देना, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाना है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख लो फोन कॉल एंड एडमेस स्टोरेज, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टॉप फुल स्टोरेज आता है, इसको भी यहाँ पे फुल स्टोरेज कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना, इसका स्टोरेज यूज पे क्लिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे क्लियर कैश कर देना, क्लियर स्टोरेज कर देना, ठीक है, क्लियर डाटा कर देना, ठीक है। इसके बाद यही मेरा एक डॉलर है, इसको भी यहाँ पे कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे फुल यहाँ पे स्टोरेज कर देना है, क्लियर डाटा कर देते हैं और क्लियर कैच कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाने के बाद गाइस क्या करना, एक बार और बैक आ जाना है। इसके बाद गाइस क्या करना है, नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आ जाने के बाद आप लोग गाइस क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर अपडेट, इस पर क्लिक कर लेना। बाद में क्या होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रॉब्लम भी यहाँ पे इश्यू खड़ा कर देती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके यहाँ पे देखने मिल रहा है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे देखना फ्यूचर, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहे हैं, होने के लिए हो गए, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपडेट कर ली, इसके बाद बैक आ जाना है। इतना करने के बाद आपको गाइस क्या करना, अपना डायलर को ओपन कर लेना है। डायलर को ओपन करने के बाद आप लोग गाइस, इसके बाद आप लोग कोई भी कॉल लगाओगे देख लेंगे, आपको लाइव दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कस्टमर की कॉल लगा ली है। इसके बाद सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मेरी यहाँ पे आपको लाइव दिखाया, ठीक है। मेरे यहाँ पे सेंसर काम करना शुरू हो चुका है, देख सकते हो, ठीक है। आप लोग हमें
जब भी हम हाथ को स्पेस करते इस तरीके का, तो यहाँ पर मेरा सेंसर काम कर रहा है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से मेरा सेंसर काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रॉब्लम को जो भी आपने मैंने बताई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है। मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम बताई है मैंने आपकी सॉल्व हो चुकी है। अगर आपकी अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो गाइस क्या करना है, आप लोगों को अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना, यानी कि पावर बटन दबा के ही रिस्टार्ट करना, ठीक है, इसका, और हार्ड रिस्टार्ट मत करना, पावर बटन ही दबा के रिस्टार्ट करना, ठीक है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपका आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।